नमस्कार मित्रों, आप सभी मित्रों का टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं संस्कृत भाषा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल ने यूपी टेटो की परीक्षा के लिए एंट्री जो दे रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं, वो 15-22 नया बैच प्रारंभ है। और यदि आपको इसमें प्रवेश लेना है तो ये नंबर लिखे इनको देख लीजिए, 99-68-35-77-65। बैच 15 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। आप इसमें एंट्री यूपीटेट लिखकर भेज सकते हैं, आपको इसमें प्रवेश दिया जाएगा। हम लोग अपने विषय की ओर आते हैं। मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष आया हूँ संस्कृत भाषा के लिए। यूपी टेट में एक पोर्शन आता है भाषा वाला, इसमें कई भाषाएं होती हैं। उन जैसे कि एक भाषा आपकी है इंग्लिश, उर्दू एवं संस्कृत। इन भाषाओं में से आपको एक भाषा का चयन करना होता है और प्रत्येक सेगमेंट से 30 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का बराबर 30 अंक के आएंगे। तो इन भाषाओं में से संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संस्कृत भाषा वाले पोर्शन को हम लोग को देखना है। संस्कृत भाषा वाले पोर्शन को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले होता है पाठ्यक्रम। पहले इस मूल बात को समझ लेंगे कि फिर सीधे हम लोग प्रवेश करेंगे पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम क्या है उसके बाद हम लोग आएंगे। तो विषय में प्रवेश करें इसके पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, वाणी की अधिष्ठात्री देवी को नमन करते हैं, तत्पश्चात आगे बात को बढ़ाते हैं। वागर्था विव संप्रेक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पर आप सभी को दो पद दिख रहे होंगे, एक तो है संस्कृत और दूसरा है भाषा। तो थोड़ा सा भाषा को समझेंगे, थोड़ा संस्कृत को समझेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा संस्कृत भाषा। इतनी बात समझ में आ रही है? दो पद दिख रहा होगा, एक संस्कृत और एक भाषा। जब इन दोनों पदों का अर्थ समझ जाएंगे तो बन जाएगी संस्कृत भाषा। चलिए हम लोग देखते हैं। और इसी के साथ ही यूपी टेट के लिए पाठ्यक्रम क्या है वो भी देख ले। किसका पाठ्यक्रम? संस्कृत भाषा का। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग भाषा कर देखेंगे। व्हाट इज भाषा? भाषा मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज। क्या भाषा, किसे भाषा कहते हैं? तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं भाषा मतलब होता है माध्यम। भाषा माध्यम है। किसका माध्यम है? तो कह रहे हैं भाषा
मनोविकारों का माध्यम है। जब कोई सजीव अथवा सचेतन अपने मनोविकारों को किसी दूसरे सजीव तक पहुंचाना चाहता है तो जो पहुंचाने का माध्यम है उसे ही भाषा कहते हैं, वही भाषा होती है। क्योंकि हम जानते हैं भाषा एक अमूर्त परिकल्पना है। भाषा कैसी परिकल्पना है? अमूर्त परिकल्पना है। भाषा एक अमूर्त परिकल्पना है तो इसका मतलब हो रहा है कि कहीं न कहीं से भाषा के अंग होंगे। भाषा के क्या होंगे? अंग होंगे। तो हमें अब उन अंगों को देखना है, भाषा के कौन कौन से अंग होंगे और उन अंगों को मिला करके ही भाषा बनती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं। इसी को हम वर्ण भी कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, उसी को वर्ण कहते हैं। जब हमने ध्वनियों को सीखा, हमने वर्णों को सीखा, तो धीमे धीमे ध्वनियाँ आपस में मिलने लगी, वर्ण आपस में मिलने लगे। और जब वर्ण आपस में मिलने लगे तो वर्ण जब मिले तो फिर कुछ नया बनेगा, उसे हम पद कहते हैं या उसी को शब्द कहते हैं। फिर हमने शब्दों को जाना या पदों को जाना। जब पद को जान गए तो पदों को जानने के पश्चात पुनः जुड़ने की प्रक्रिया चालू हुई, तो बाद में उन्हीं पदों से हमने वाक्य बनाया और उसके पश्चात जब हमने वाक्यों को जाना, कई सारे वाक्य जुड़ गए, तो वाक्यों को जुड़ने के बाद जब कई वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तो एक भाषा बन जाती है। इतनी बात समझ में आ रही? समझ में आ रही आप सबके? आगे देखिए, ध्वनियों को जाना, ध्वनियों को जानने के बाद उन ध्वनियों को आपस में मिलाया तो पद बना, पदों को आपस में जोड़ करके हमने देखा तो वाक्य बना, और कई सारे जब वाक्यों को जोड़ देते हैं तो वो भाषा बन जाती है। अब देखिए, ये भाषा बनी तो हम जिसके भी ध्वनि जानेंगे, जिसके भी ध्वनि, यदि हमने ध्वनियाँ सीखी ए बी सी डी ये सीखा तो पद भी, और ये ध्वनियाँ हैं इंग्लिश की, ये इंग्लिश की ध्वनियाँ हैं। यदि हमने इंग्लिश की ध्वनियाँ सीखी तो शब्द बनेगा वो इंग्लिश का, वाक्य बनेगा इंग्लिश का और भाषा भी बनेगी इंग्लिश की। यदि हम लोगों ने आ ई ये सीखा, ध्वनियाँ यदि हमने आ ई उड़ा सीखा तो पद भी, चूँकि ये ध्वनियाँ संस्कृत की हैं, हम जानते हैं ये ध्वनियाँ संस्कृत की हैं, तो पद भी संस्कृत का बनेगा। और फिर हम जब संस्कृत के पदों को सीखेंगे तो वाक्य संस्कृत का बनेगा, और जब संस्कृत के वाक्यों को हम जोड़ेंगे आपस में तो संस्कृत की भाषा बनेगी। संस्कृत को थोड़ा देखते हैं, संस्कृत में सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा है, क्री धातु है, ता प्रत्यय है। 22 उपसर्ग होते हैं, प्रा परा अपसम अनु औ निस निर दुस दुर वी यांग नी अधि इत्यादि। उन 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है सम, क्री धातु है, ता प्रत्यय है, संस्कृत सुडागम होकर के संस्कृत की निष्पत्ति होती है, जिसका मतलब ही होता है शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित। ऐसी भाषा जो शुद्ध हो, संस्कारित हो, परिमार्जित हो, परिष्कृत हो, उसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। ये कॉमन थी,
चलिए, तो ऐसी भाषा जो शुद्ध हो, संस्कारित हो, परिमार्जित हो, परिष्कृत हो, उसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आगे देखें, पाठ्यक्रम की ओर चल रहे हैं। इसका पाठ्यक्रम क्या है धीरे से देखेंगे। संस्कृत भाषा, इसका जो अर्थ हम लोग के सामने निकल कर आया वो कुछ ऐसा निकला है कि जो भाषा परिष्कृत हो, परिमार्जित हो, शुद्ध हो, संस्कारित हो, उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। और भाषा के जब हम लोग अंगों की ओर गए थे तो भाषा के अंगों में प्रथम मिला था हमें वर्ण। वर्ण या इसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं। जो दूसरा हम लोग को मिला था वो मिला था पद। जब वर्णों को हमने मिलाया तो पद बना, या इसी को शब्द कहते हैं। जो तीसरा इसमें था वर्ण ध्वनि, जब वर्णों को ध्वनियों को मिलाया तो पद बने, शब्द बने। और उसके पश्चात जब हमने पदों को सीखा, फिर पदों को आपस में जोड़ा तो वाक्य बन गया था। पुनः वाक्यों का ज्ञान हुआ, जब वाक्यों का ज्ञान हुआ तो हमने वाक्यों को आपस मिलाया तो एक भाषा बन गई। तो जिसके भी हम वर्ण या ध्वनि सीखेंगे उसी की भाषा बनेगी, इस बात को ध्यान देना है। हमने जब जिस भी भाषा के वर्ण सीखेंगे उसी के पद बनेंगे, और जिसके पद बनेंगे उसी के वाक्य बनेंगे, और जिसके वाक्य जोड़ेंगे तो आपस में वही भाषा बनेगी। इतनी बात थोड़ा समझने का प्रयास करिए। दूसरी ओर हम लोग ये देखेंगे कि ये भाषा, अच्छा पाठ्यक्रम बस लिखा कि संस्कृत भाषा, आगे कुछ दिया नहीं गया विशेष, उसका विवेचन तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है, तो जो कि संस्कृत भाषा पढ़ना है तो भाषा के बारे में समझना पड़ेगा हम लोग को। तो अब देखिए, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है या वर्ण है, इसका मतलब हमें, अच्छा भाषा किसकी, बोले संस्कृत की भाषा। तो संस्कृत के वर्णों के बारे में जानना चाहिए, जो हमारा विचार होना चाहिए वो सर्वप्रथम किस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए वर्ण पे विचार हमें होना चाहिए कि वर्ण क्या हैं, किसे हम वर्ण कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेदक प्रभेद क्या हैं, ये कहाँ से बोले जाते हैं, इनमें स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, विसर्ग वाले कौन से हैं, कंठ से कौन बोले जाते हैं, तालु से कौन बोले जाते हैं, जिह्वा से कौन बोले जाएंगे, मूर्धा से कौन बोले जाएंगे, इन सभी बातों का विवेचन या इन सभी बातों का ज्ञान हमें वर्ण विचार के अंतर्गत करना है। अर्थात सबसे पहले क्या पढ़ना है, वर्ण विचार। क्यों संस्कृत भाषा पढ़ना है, तो भाषा की जो प्राथमिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, उसे हम ध्वनि कहते हैं या वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के बारे में सम्यक विचार कहना, ये हमारा प्रथम पाठ्यक्रम हो गया, पहला टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, वर्णों पे विचार करना है। क्षमता, वर्णों पे विचार करना है, जिसके अंतर्गत है वर्णों के भेद, वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इसमें स्वर वाले कौन हैं, इसमें व्यंजन वाले कौन हैं, फिर इनके उच्चारण स्थान क्या हैं, उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे, स्वरों के प्रभेद क्या हैं, इनका प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न है कि बाह्य प्रयत्न है, इन सारे बातों का चर्चा, इन सभी बातों का विचार वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाएगा। तो जब सबसे पहला पाठ्यक्रम हमारा क्या हो गया, वर्ण विचार, वर्णों पे सम्यक विचार करना है, क्योंकि भाषा की जब प्राथमिक इकाई है वर्ण या ध्वनि, तो वर्णों पे विचार करना है। और किसके वर्णों पे विचार करना है, बोले संस्कृत के वर्णों पे विचार करना है। वर्ण क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका भेद क्या है, विभाजन कैसे होगा, बोले कहाँ से जाएंगे। जब हमने वर्णों को सम्यक रूप से जान लिया,
अच्छे से वर्णों को पहचान लिया, उनका विभाजन हो गया, तब जो दूसरी प्रक्रिया होती है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं है। ध्वनियों को जाना, वर्णों को जाना, तो वर्ण आपस में मिलने लगे। और हम जानते हैं वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब हमने वर्णों पे पर्याप्त विचार कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, वर्णों को आपस मिलाएंगे, और वर्णों में आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम संधि कहते हैं। समझने, मैं पाठ्यक्रम पे चर्चा कर रहा हूँ आप सबके। पाठ्यक्रम क्या है? वर्ण विचार। सबसे पहले देखिए, भाषा के जो अंग होंगे, भाषा एक अमूर्त परिकल्पना है, तो भाषा के अंग होंगे कौन कौन से? तो भाषा का जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण या ध्वनि। हाँ, और उसके पश्चात ध्वनियों को जानने के पश्चात हमने ध्वनियों को आपस में मिलाया तो पद बना, फिर पदों को आपस में हमने मिलाया तो वाक्य बना, और वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे तो एक भाषा बनेगी। जिसके भी वर्ण सीखेंगे उसी के पद बनेंगे, उसी का वाक्य बनेगा और उसी की भाषा बनेगी। क्योंकि हमें संस्कृत भाषा पढ़ना है तो वर्णों पे विचार किसका करना है? बोले संस्कृत के वर्णों पे पर्याप्त विचार करना है। कितनी इनकी संख्या कितनी होगी, स्वर कितने होंगे, व्यंजन कितने होंगे, विसर्ग कैसा होता है, और उसके पश्चात इनके प्रभेद कितने होते हैं, बोले कहाँ से जाएंगे, इनसे क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं। सम्यक रूप से, पर्याप्त रूप से हमें वर्णों पे विचार करना है। जब वर्ण, ये हमारा पाठ्यक्रम भी है, और जब वर्णों पे पर्याप्त विचार कर लेंगे तब वर्णों को आपस में जोड़ेंगे, मिलने मिलाने की प्रक्रिया बढ़ेगी, और वर्णों के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया है उसे हम संधि कहेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है? संधि। अब हमारे सामने दो पद मिल गए, एक राज्ञः पद हो गया, एक पुरुषः पद हो गया। फिर दो पदों को आपस में मिलने मिलाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फिर दो पदों को आपस में जो मिलाने की प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। हमारे सामने पद आ गए, जैसे राज्ञः एक पद है, जैसे राज्ञः एक पद है, पुरुषः एक पद है। इन दोनों पदों को मिलाकर के राज पुरुषः जो बनता है, देख रहे हैं, तो ये एक पद था, ये एक पद था, इन पदों को मिला करके एक बड़ा पद बन गया, राज पुरुषः। तो मिलने मिलाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो जब वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो संधि बन जाता है, और जब पदों को आपस में मिला देते हैं तो समास बन जाता है। हमारे सामने पद कई सारे, समास मतलब पद बन गए। अब जब कई सारे पद हो गए तो पुनः उन पदों को किस क्रम में रखा जाएगा? जैसे रामः भी एक पद है, रामः एक पद है, विद्यालय एक पद है, और गच्छति भी एक पद है। और ये बात हो रही है कि जब हम कई सारे पदों को जोड़ देंगे तो वाक्य बन जाएगा। तो रामः विद्यालय गच्छति, ये हमने इन पदों को जोड़ दिया तो क्या वाक्य बन जाएगा? ये देखिए, रामः रामः विद्यालयः गच्छति, और यही कह रहे हैं, वर्णों को सीखेंगे, ध्वनियों को सीखेंगे, फिर ध्वनियों को आपस में मिलाएंगे तो पद बनेगा, पद या शब्द बनेगा, उन शब्दों या पदों को आपस में मिलाएंगे तो वाक्य बनेगा। फिर अब देखिए, रामः एक पद है, विद्यालयः एक पद है, गच्छति एक पद है, इनको मिला देंगे तो क्या वाक्य बन जाएगा? वाक्य तो बन जाएगा, लेकिन वाक्य हमारा गलत रहेगा। तो जो वाक्य शुद्धि की बात करें, वाक्य कैसे बनेंगे, कैसे पदों को जोड़ना, इनमें विभक्ति कौन सी लगेगी, इसकी जो चर्चा कहते हैं उसे हम कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है, पूरा पाठ्यक्रम।
तो सर्वप्रथम हमें वर्णों पे विचार करना है, उसके पश्चात संधि पढ़ना है, उसके पश्चात समास पढ़ना है, फिर कारक पढ़ना है। इसी में आप आगे जाएंगे तो आपको प्रत्यय पढ़ने हैं, उपसर्ग पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है। प्रत्यय पढ़ने हैं, उपसर्ग पढ़ने हैं, धातु रूप पढ़ने हैं, ये सब इसी से संबंधित है। और हम जब सामान्य रूप से देखेंगे तो वर्ण विचार, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारे के सारे विषय किसके हैं, इसको पूरी तरफ देखेंगे तो सारे विषय इंगित करते हैं व्याकरण की ओर। किसकी ओर? व्याकरण की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि व्याकरण के अंतर्गत ही वर्ण विचार, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप, शब्द रूप, ये सारी की सारी चीजें हमें किसकी ओर इशारा करती हैं? व्याकरण की ओर। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो इसका मतलब हो गया जो यूपी टेट में, किसमें? यूपी टेट वाला जो हिस्सा है उसमें क्या पढ़ना है? उसमें पढ़ना है व्याकरण। किसका व्याकरण पढ़ना है? तो बोले संस्कृत वाला व्याकरण पढ़ना है और सामान्य व्याकरण पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? कहीं लिखा नहीं, बस पाठ्यक्रम में इतना लिखा है संस्कृत भाषा का, टेट के लिए संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा में क्या पढ़ना है? तो बोले हमें ये पढ़ना, चूंकि भाषा की इकाई वर्ण है, पद हैं, फिर वाक्य हैं, फिर भाषा बनी है। तो जिसका भी वर्ण हम लोग सीखेंगे, वर्ण सीखा हमने संस्कृत के, तो पद संस्कृत का बना, वाक्य बना, और उसके बाद भाषा बनी संस्कृत की। अब देखिए, वर्ण शुद्धि को संधि कहते हैं, पद शुद्धि को समास, और वाक्य शुद्धि को कारक। तो संधि है, समास है, वर्ण है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, धातु है, ये सारी बातें इस व्याकरण के अंतर्गत समय, इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। और व्याकरण हम लोग को पढ़ना है, कौन वाला व्याकरण पढ़ना है? हमारे यहाँ संस्कृत संस्कृत हमारे यहाँ दो भागों में पढ़नी है, एक वैदिक संस्कृत और जो दूसरी है वो है लौकिक संस्कृत। संस्कृत दो भागों में बटी है और संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ना है। संस्कृत भाषा क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हमने कारण उसका आपको बता दिया, क्यों पढ़ना है। संस्कृत भाषा वाला हम सबको व्याकरण पढ़ना है, और उसमें भी कौन वाला हिस्सा पढ़ना है, तो लौकिक संस्कृत वाला पढ़ना है, ना कि वैदिक वाला। हमारी संस्कृत दो भागों में बटी हुई है, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। कहीं ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि अपने अध्ययन की सहजता के लिए दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आपका है वैदिक संस्कृत, दूसरा है आपकी लौकिक संस्कृत। एक ऋषि थे, सायंकालीन का समय था, संध्या वंदन करने के लिए नदी के तट की ओर जा रहे थे। संध्या सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम को होती है, सायंकालीन जा रहे थे। क्रौंच पक्षी का जोड़ा अपने रतिक क्रीड़ा कर रहे थे, तभी एक वधिक आता है और नर वाले को मार देता है, अपने बाण से घायल कर देता है। तो उसके वियोग में जो क्रौंची थी, विरह में व्याकुल थी, करुण क्रंदन कर रही थी, तो उसके करुण को देख करके, उसके दुख को देख करके, तकलीफ को देख करके, कष्ट को देख करके, महर्षि के, उस ऋषि के, उस मुनि के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, करुणा उत्पन्न हुई। और जो महर्षि के हृदय में शोक था, करुणा था, दुख थी, तकलीफ थी, वो श्लोक के रूप में छलक पड़ा। शोक श्लोकत्वम आगतः, शोक था, श्लोक के रूप में छलक पड़ा और क्या निकला? मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वति समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं मोधी काम मोहितम्।
और यहीं से महर्षि वाल्मीकि ने कहते हैं यहीं से लौकिक संस्कृत की धारा चल पड़ी। इसके पहले जो चार वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, माने इस घटना के पहले का जो साहित्य था उसे हम वैदिक कहते हैं, और इस घटना के पश्चात जो साहित्य हमारे सामने है, जो हमारे सामने विपुल संस्कृत की राशि है, उसे हम लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कहते हैं। तो इसका भी व्याकरण है, इसका भी व्याकरण है, तो हमें हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है लौकिक वाला पढ़ना है। जब व्याकरण की बात हो, खास तौर से लौकिक व्याकरण की बात हो, तो एक बहुत बड़े नाम आता है, उनका नाम होता है महर्षि पाणिनि। महर्षि क्या उनका नाम है, कहते हैं महर्षि पाणिनि। हम लोग को पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा नाम आता है महर्षि पाणिनि। पढ़ना है संस्कृत व्याकरण, बिल्कुल क्लियर कट बात रखेंगे तो हम सबको आसानी हो जाएगी। संस्कृत भाषा का क्या पढ़ना है, व्याकरण, और वो भी कौन वाला पढ़ना है, बोले लौकिक वाला पढ़ना है, वैदिक वाला नहीं है, लौकिक वाला पढ़ना है। महर्षि पाणिनि इनका जो समय होता है लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व इनका समय होता है। कहते हैं कि महर्षि पाणिनि से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, और एक बात है जो पाठ्यक्रम की भी चर्चा कर रहा हूं, और साथ ही साथ इन सब से आपको सवाल मिलेंगे, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे निश्चित रूप से यूपी टेट में। अच्छा, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो और बचे हुए चार सेगमेंट हैं यूपी टेट के लिए, 30-30 अंक के, तो 5 सेगमेंट होते हैं, तो 5×15 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन आते हैं। उन सब में आप कितना भी परिश्रम करें, पर जो अंकदायी ये सेगमेंट है, सर्वाधिक अंक आप कहीं हासिल कर सकते हैं, तो संस्कृत वाले सेगमेंट से। बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, कम पढ़ के ज़्यादा पाना हो तो संस्कृत के पास आइए, कम पढ़कर ज़्यादा पाना हो तो संस्कृत के पास आइए, इसका कोई जोड़ नहीं है। वापस आते हैं, तो जो हम बता रहे हैं, जहां आपको लगे लिखना चाहिए उसको नोट डाउन करते चलिए, बाकी हम तो बता ही रहे हैं। ईसा से लगभग 500 से 400 पूर्व एक बड़े नक्षत्र का, संस्कृत व्याकरण जगत में एक बड़े नक्षत्र का उदय होता है, जिसका नाम होता है महर्षि पाणिनि। कहते हैं महर्षि पाणिनि से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, महर्षि पाणिनि से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और दो स्थितियाँ, शंकर भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भी तांडव करते हैं, और जब नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो भी तांडव करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए महर्षि पाणिनि थे पाणिनि से, और प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने तांडव किया, और तांडव करने के उपरांत उन्होंने डमरू बजाया, और उनके डमरू से जो ध्वनियाँ निकली, उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। भगवान शंकर कौन, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य किया, और नृत्य करने के पश्चात अपने डमरू को 14 बार बजाया, तो उनसे 14 ध्वनियां निकली, और इन्हीं ध्वनियों को लेकर के, ध्वनियां कह सकते हैं, या जो 14 सूत्र निकले भगवान शंकर के डमरू से, उन 14 सूत्रों को लेकर के महर्षि पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों का एक अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय व्याकरण का ग्रंथ लिख दिया, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम है
अष्टाध्यायी, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि ने शंकर द्वारा प्रदत्त जो 14 सूत्र थे, उन 14 सूत्रों की सहायता से, शंकर की कृपा से लगभग 4000 सूत्रों का अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना कर दी। सारे प्रश्न बनेंगे कि महर्षि पाणिनि ने किसकी रचना की, तो महर्षि पाणिनि ने रचना की है अष्टाध्यायी की। तो थोड़ा अष्टाध्यायी के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि अष्टाध्यायी क्या कहता है। आप देखिए, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 4×8=32 पाद। और इन पादों में क्या हैं? सूत्र हैं। क्या हैं? सूत्र हैं। तो कितने सूत्र हैं? लगभग 4000, 4000 लगभग, लगभग 4000 सूत्र हैं। तो ईसा से 500 से 400 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े नक्षत्र का उदय होता है, जिनका नाम होता है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की कृपा से 8 अध्यायों में विभक्त अष्टाध्यायी नामक व्याकरण का अद्वितीय ग्रंथ लिखा। अब प्रश्न आपसे ये बनेगा कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो अष्टाध्यायी की रचना की है महर्षि पाणिनि ने। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, या अष्टाध्यायी का विभाजन कैसे किया गया है? तो अष्टाध्यायी का विभाजन महर्षि पाणिनि ने 8 अध्यायों में किया है। कितने अध्यायों में किया है? 8 अध्यायों में। फिर पुनः एक अध्याय में 4 पाद हैं, और संपूर्ण अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इसलिए 8×32, तो संपूर्ण अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं, और इन पादों में सूत्र हैं, तो संपूर्ण अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई कि महर्षि पाणिनि समय लगभग ईसा से 500 से 400 ईसा पूर्व उन्होंने भगवान शंकर की कृपा से इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, उन अध्यायों प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो संपूर्ण अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं, और उन पादों में सूत्र हैं। कितने सूत्र? लगभग 4000 सूत्र। समय बीतता गया, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। समय बीतता गया, इनसे लगभग 100 साल बाद एक बहुत बड़े नक्षत्र का उदय होता है, जिनको हम कहते हैं महर्षि कात्यायन। इनका एक दूसरा नाम में भी है वररुचि। ये लगभग ईसा से 400 से 300 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ऐसा कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन विद्वान लोग लगभग ईसा से 400 आयु कहें महर्षि पाणिनि के 100 साल बाद। इनको लगा कि नहीं कुछ इसमें कमियां हैं, थोड़े सुधार की आवश्यकता है, तो उसी अष्टाध्यायी को आधार बना करके इन्होंने वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक लिखा। उसी अष्टाध्यायी को आधार बना करके महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखा। समय बीतता गया, लगभग इनसे 100-150 साल बाद इसी क्रम में एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम आता है, जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। ईसा पूर्व लगभग 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। किसकी रचना की?
महाभाष्य की रचना की। तो सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, उसके पश्चात महर्षि कात्यायन ने वार्तिक रचना की और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। अब देखिए संस्कृत जगत में पाणिनि कात्यायन सब सवाल बनेंगे एवं पतंजलि, इनको सम्मिलित रूप से मुनित्रय की संज्ञा देती है। किसकी संज्ञा देती है? मुनित्रय की, मतलब कि पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। क्षमताम, पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और उसमें हैं अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, इसलिए पाणिनि का दूसरा नाम उन्हें पाणिनि को हम लोग सूत्रकार भी कहते हैं। कात्यायन ने वररुचि ने वार्तिक की रचना की, तो वररुचि के लिए एक शब्द आता है वार्तिककार। तो पूछेगा सूत्रकार कौन है, तो सूत्रकार है महर्षि पाणिनि। वार्तिककार कौन है, तो बोले वार्तिककार है महर्षि कात्यायन वररुचि। और पतंजलि ने चूंकि महाभाष्य की रचना की है तो भाष्यकार कौन है, पतंजलि। तो संस्कृत व्याकरण जगत में पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि को सम्मिलित रूप से मुनित्रय की संज्ञा दी जाती है। चूंकि सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की है तो सूत्रकार पाणिनि कहते हैं, वार्तिक की रचना कात्यायन ने की है तो वार्तिककार कात्यायन हो गए, एवं महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने की है तो भाष्यकार पतंजलि हो गए हैं। इस संदर्भ में एक श्लोक भी मिलता है, वाक्यकारम वररुचिं भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि को मुनित्रय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इतनी बात स्पष्ट है, इसको कहीं लिखते चलेंगे इनसे सबसे सवाल बनेगा। बीच में बहुत सारे विद्वान हुए लेकिन वहाँ न पढ़ के मुख्य रूप से देखना क्या है, हम लोगों ने देखा था इसी क्रम में एक बड़ा नाम आता है, उनका नाम है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने एक बड़े ग्रंथ को वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की है और इनके बड़े होनहार शिष्य होते हैं आचार्य वरदराज। इन्होंने तीन ग्रंथों की रचना की है, मध्य सिद्धांत कौमुदी, दूसरा है सार सिद्धांत कौमुदी और जो तीसरा है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त किया है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। अच्छा एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं आप सबको कि संस्कृत लौकिक संस्कृत जगत में जो भी व्याकरण में कार्य हुआ है उन सबका आधार महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी ही है। तो हम लोगों ने महर्षि पाणिनि से प्रारंभ करके आचार्य वरदराज द्वारा लिखित जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वहाँ तक आए थे। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो और पाठ्यक्रम की चर्चा मैंने कहा आपको वर्ण विचार पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ने हैं, प्रत्यय पढ़ने, उपसर्ग पढ़ने हैं, शब्द रूप पढ़ने, धातु रूप पढ़ने, फलों के नाम पढ़ने, पक्षियों के नाम पढ़ने हैं, पुष्पों के नाम पढ़ने हैं, घर की वस्तुओं के नाम पढ़ने हैं, संबंधों के नाम पढ़ने हैं। बस समझ गए, ये सारी चीज़ें पढ़ना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को अच्छा ये सारे विषय व्याकरण के हैं तो अब इतना सा अच्छा इस सर हम लोग का प्राइमरी का है तो
इतना तो समय नहीं है कि हम लोग महर्षि पाणिनि के अनुसार अध्ययन करें, लेकिन कहीं ना कहीं से लौकिक व्याकरण में सहारा तो लेगा। तो हम लोग जो आश्रय लेकर चलेंगे वो आचार्य व्रतराज द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी का आधार लेकर के, आश्रय लेकर के हम लोग अपने यूपी टेट में जो 30 अंकों का सवाल आता है उस नैया को हम लोग पार कर ले जाएंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का आश्रय लेकर के पढ़ना है हम लोग को। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, लघु सिद्धांत कौमुदी का सहारा लेकर के पढ़ना। नहीं है पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है और ये प्रश्न भी बनते हैं, आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का सहारा लेकर के जो हम लोग में यूपी टेट में, किसमें यूपी टेट में पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम को पढ़ लेना। वो पाठ्यक्रम किसका है तो बोले वर्ण विचार का है, वर्णों पे विचार करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाषा की प्राथमिकता ही वर्ण है। फिर क्या पढ़ना है, संधि पढ़ने, समास पढ़ने हैं हम लोग को, कारक पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ने हैं, और क्या पढ़ने हैं, उपसर्ग पढ़ने हैं, धातु रूप पढ़ने हैं, शब्द रूप पढ़ने। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, ये सब पढ़ना है, सहारा लेना है लघु सिद्धांत कौमुदी का। तो कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे सामने जो कार्य करने चल रहे हैं कोई दुख ना आए, दुखत्रय ना आए, आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक दुख ना आए, इसके लिए किसी न किसी दैवीय शक्ति की हमें आवश्यकता होती है। तो आचार्य वरदराज भी जब लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने बैठे तो इन्होंने भी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं उनको नमन किया। तो इनके मंगलाचरण में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं और मंगलाचरण करने के पश्चात सीधे वर्ण पे विचार हम लोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो आचार्य वरदराज जब लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने बैठे तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी को नमन करते, हम लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। आचार्य वरदराज कहते हैं मैं वाणी की अधिष्ठात्री देवी को नत्वा नमस्कार करके, जो शुद्ध हैं प्रशस्त गुणों वाली हैं ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ, उनकी मैं उस ग्रंथ को लिखता हूँ। तो हम लोग को अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ण विचार और सहारा लेकर के। ये संक्षिप्त थी जो बातें आप सबको बता दी गई हैं, ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, सारी बातें परीक्षा में आती ही आती हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो हम लोग जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या शुरू होगा, वर्ण विचार, और वो भी वर्ण विचार किसका, तो चूंकि हम लोग को पढ़ना है वर्ण विचार संस्कृत के, किसके वर्णों पे विचार किया जाएगा, संस्कृत के। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ने जो आए हैं वो संस्कृत भाषा पढ़ने आए हैं, तो संस्कृत भाषा के वर्ण, संस्कृत के वर्णों पे विचार करेंगे। तो हम लोग जब भी अगले कक्षा में मिलेंगे तो वर्ण विचार से प्रारंभ होगी। एक समरी मैं दे देता हूँ, हम लोग को यूपी टेट के लिए संस्कृत भाषा पढ़ना, उसमें 5 सेगमेंट आते हैं, एक सेगमेंट जो आपका आता है वो भाषा वाला, उसमें संभवतः 3 भाषाएँ होती हैं, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा एवं संस्कृत भाषा। इन भाषाओं में से एक भाषा में संस्कृत भाषा पढ़ाने के लिए आया हूँ, हम लोग मिलकर के संस्कृत भाषा पढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चा एवं परिचर्चा होगी। तो जब पहुँचे थे भाषा पर तो हम जानते हैं कि भाषा एक अमूर्त परिकल्पना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसके अंग होंगे।
तो भाषा की जो प्राथमिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, उसे हम वर्ण कहते हैं, उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। हमारी परंपरा जो है वो जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं। तो वर्णों को जब हमने सीखा, तो सीखने के पश्चात वर्णों को आपस में जोड़ा तो पद बने या शब्द बने। फिर उन पदों या शब्दों को जानने के बाद हमने पदों को जोड़ा, जब पदों को हमने जोड़ा तो पुनः क्या बना, फिर से एक वाक्य बन गया। और जब कई सारे वाक्यों को जोड़ देते हैं तो एक भाषा बनती है। तो हम जानते हैं कि अच्छा भाषा किसकी भाषा, बोले संस्कृत की। तो जिसके भी हम वर्ण सीखेंगे उसी की भाषा बनेगी। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो वर्णों का जहाँ विचार, तो सबसे पहली इकाई भाषा की ध्वनि है, तो ध्वनियों के बारे में सीखेंगे। तो वर्णों पे पर्याप्त विचार करना है। किसके वर्णों पे, संस्कृत के वर्णों पे। ये देख रहे हैं आप, तो वर्ण विचार करना है। वर्णों को जानेंगे तो वर्णों को मिलाएंगे, वर्णों को जो मिलाने की प्रक्रिया होती है उसे संधि कहते हैं। फिर पुनः उन पदों को आपस मिलाएंगे तो पदों को आपस मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। वाक्य सही है कि गलत है इसके बारे में जो बताए उसे कारक कहते हैं। प्रत्यय है, उपसर्ग है, धातु रूप है, शब्द, इन सारे बातों का अध्ययन हम लोग क्रमशः करेंगे, व्यवस्थित रूप से करेंगे। सर्वाधिक अंकदायी सेगमेंट है तो आपका संस्कृत भाषा वाला टेट है। इसमें थोड़ा सा परिश्रम, कोई कुछ भी ना जानता हो थोड़ा सा परिश्रम कर देगा तो 30 में से 29 30 नंबर 28 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे, जो अन्य सेगमेंट में पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग अगली कक्षा में जब भी आएंगे तो सीधे वर्णों पर विचार करेंगे। किसके वर्णों पर, तो बोले संस्कृत के वर्णों पर विचार करेंगे। जब वर्णों को जान जाएंगे, ये कितने प्रकार के, इसमें स्वर वाला कौन है, व्यंजन क्या है, विसर क्या है, प्रत्यय क्या है, बोले कहां से जाएंगे, कैसे उच्चरित होंगे, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। बात समझ में आ रही है? तो अगली कक्षा में हम लोग सीधे वर्ण विचार प्रवेश करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देंगे, अगली कक्षा में आप सबसे मिला जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, नमन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। टारगेट बीत पीएस परिहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद।